जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ग्रुप पे। आप लड़की हैं, अभी आपकी वर्तमान उम्र 22 वर्ष है और आप जानना चाहते हैं कुछ खास विषयों के बारे में अपने जीवन से संबंधित। जो आपका सबसे पहला सवाल है वो है करियर रिलेटेड, कि जो आप करना चाहते हैं क्या हो पाएगा या नहीं। दूसरा, विवाह के लिए कब तक योग बन पा रहे हैं। और तीसरा, घर के लोगों के साथ और ससुराल वालों के साथ कैसा रहने वाला है। और नौकरी कब तक लग सकती है, विवाह कब तक हो सकता है। चलिए, आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा जो दिए उनमें और कुछ जो आपको समझ में आए बता दें, वो सब बताएंगे। ये आपका लेफ्ट फॉर्म है, लेफ्ट फॉर्म से आपकी डेस्टिनी के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात आपके राइट हैंड में जाएंगे और वर्तमान की परिस्थितियों को जानेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखा से। जो मणिबंध की रेखा यहाँ पे आपकी आ रही है, जो बन रही है, वो स्पष्ट तौर पे प्रथम रेखा अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। द्वितीय रेखा यवन रेखा के साथ आगे बढ़ती हुई जंजीराकार अवस्था में शुक्र के अंतिम छोर तक चलती चली गई है। द्वितीय रेखा भी पहली रेखा के साथ ही गठजोड़ करके आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि जीवन शक्ति की एक स्थिति है, वो शुरुआत से ही आपका साथ छोड़ रही है। यानी कि पारिवारिक सहयोग की व्यक्ति को अपेक्षित जितना आपकी अपेक्षा है उतनी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाई है। चूंकि इस उम्र से आप गुजर चुके हैं तो अब तक ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो चुकी होंगी और परिवार से आपको जो सहयोग मिलना चाहिए था, अगर 100% बोले तो उसमें मुश्किल से 30% सपोर्ट आपको मिला है। जो भी आपने जीवन में पाया है वो खुद की बदौलत ही आपने अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया है। और ये जीवन चक्र आपका आगे और बेहतर दशा और दिशा आपको देते चला जा रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपके लिए हर एक चलते और नए दिन के साथ आपके लिए बेहतर होती चली जा रही है और आगे भी होती चली जाएगी। बिकॉज अभी भी आप बैठे नहीं हो, यानी कि कहीं ना कहीं से आपके लिए धन का आगमन हो ही रहा है। ठीक है, द्वितीय बात करेंगे कि सुख की स्थिति जीवन में कैसी है। देखो, सुख तो जीवन में अच्छा है अकॉर्डिंग टू योर पाम, बट सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। तो आपकी जो हस्तरेखा की जो दशा है और आपकी जो सोच इसके अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार जो सुख होना चाहिए उस सुख की हमेशा आपको एक कमी महसूस होगी। अब आगे चलिए, ऊपर आपके पर्वत क्षेत्रों को जानते हैं और वहाँ से अन्य चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके इस गुरु पर्वत क्षेत्र की, यानी कि जुपिटर कैसा है। जुपिटर का अगर बेस की बात करें तो बेस इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। इवन कि आपके लिए प्रधान ग्रह है। ठीक है, त्रिशंकु की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, आपके लिए प्रधान ग्रह है और आपके जीवन में एक बेहतर उन्नति के रास्ते पर आपको ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर कुछ अन्य रेखाएं भी हैं जो कि स्पष्ट तौर पे बता रही है कि स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ज़्यादा उन्नत हैं, यानी कि धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि है और ये रुचि आगे भी आपके साथ बनी रहने वाली है। इसके अलावा जो मान सम्मान की एक स्थिति होती है, जो भी ऐसे लोग जो आपको कम जानते हैं थोड़े समय के लिए मिलते हैं, आप उन पर अपनी छाप छोड़ देती हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि काफ़ी सुलझा हुआ है। लेकिन ठीक इसके उलट, आप अपने सामान्य जीवन में सुलझे हुए नहीं हैं और उलझने हमेशा आपको चारों तरफ से दबा के रखती हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है आपके लिए, बिकॉज आपकी एक सोच है जो कि 24 घंटे सक्रिय रहती है। ठीक है, किसी भी समय आप ऐसी स्थिति में नहीं आ पाते जब आप संयमित रूप से अपने जीवन को जी सके, शांति महसूस कर सके। हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपके दिमाग में घूमती ही रहती है, तो थोड़ा दिमाग को संभाले, उसे स्टेबल करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो बाहर ससुराल पक्ष, जब आपकी आपका विवाह हो जाएगा, ससुराल पक्ष से आपके लिए संबंध बेहतर रहेंगे, वहाँ से आपके जीवन में अच्छे उन्नति के योग बन रहे हैं। द्वितीय बात करेंगे आपके शनि के इस पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। देखो, शनि का पर्वत क्षेत्र आपके लिए मुश्किल भरा है। ठीक है, इसके क्या क्या परिणाम होंगे कि शरीर में हमेशा आपके ना एक तो कुछ ना कुछ व्याधियाँ लगी ही रहेंगी, अब तक भी आपकी लगी रही होंगी। ठीक है, आंखों के नीचे आपके काले घेरे आ जाते होंगे, इसके अलावा जो ब्लड में इन सब का जो कारण होता है, ठीक है, तो क्या उसे आप बोलते हो, लोहे की कमी, तो ऐसी आयरन वगैरह की, तो इन सब के कारण ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। इसके अलावा एक दुर्भावना की स्थिति कभी कभी आपके दिमाग में थोड़े से समय के लिए आ जाया करेगी और एक खींच और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें आपको खुद से कभी कभी नफरत की स्थिति, नफरत जैसा होने लगेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें भ्रम मात्र हैं और आपको परेशान करने के लिए ही आपके इर्द गिर्द वो नज़र आएंगी। इसके अलावा करियर के क्षेत्र में, जैसे कि अभी आपकी 22 वर्ष उम्र है, आपने काफ़ी
पहले से कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन इन कोशिशों में आपको काफ़ी हद तक असफलता प्राप्त हुई है, लेकिन ये असफलता जो है ये अस्थाई है, ठीक है, टेम्पररी है, बिकॉज सफलता आपके लिए श्योर है। और ये जो आपकी अभी एज चल रही है 23 और 24 स्टार्टिंग तक ही आप सरकारी सेवाओं के लिए आप चयनित हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक शंका आपको नहीं रखनी चाहिए, और आपके लिए एक तरीके से कहें तो बहुत ही प्रबल योग है और उसमें आपकी संभावना बहुत ही बेहतर है। लेकिन स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, और खुद को काबू में रखने की, अपने मन मस्तिष्क को, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की, बहुत अच्छा, जो कि मैंने आपको बोला गवर्नमेंट जॉब आपकी फाइनल है, फिक्स है, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। जो देर हो रही है समझो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि कई कई बार छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं और बड़ी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। थोड़ा सा रुक जाएं, अच्छी और बेहतर चीज़ आपके पास तक आ रही है, आप उसके करीब पहुंच चुके हैं। अपना जो भी सामर्थ्य है अपना 100% दें अपनी चीज़ों में, और सफलता आपको वरण करेंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कभी भी अति उत्साह में कुछ ऐसा न कर जाएं जो कि जीवन भर का कलंक आपके सर पे देके चला जाए, ठीक है। तो किसी को कुछ भी वादा करने से पहले, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करने से पहले अच्छे तरीके से सोच ले और सावधान रहे, ऊंचाई पर जाने से भी बचे, और किसी को किसी पर अत्यधिक विश्वास करना भी आपके लिए घातक साबित होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके बुध के इस क्षेत्र के, बुध की बात करेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, अगर उसकी बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको जो आपके पति होंगे, जो बच्चे वगैरह होंगे, सबका समर्थन आपको प्राप्त होगा। जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग होंगे उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा समर्थन की प्राप्ति होगी। विवाह आपका सफल होगा, काफ़ी बेहतर जाएगा और काफ़ी आगे तक जाएगा। दो संतान प्राप्ति के योग आपके यहाँ पर पनप रहे हैं, एक पुत्र एक पुत्री के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुध से जो एक खास स्थिति पैदा होती है कि बुद्धि और विवेक के बीच सामंजस्य, उसका अभाव रहेगा, ठीक है, तो उस पर आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करेंगे मंगल के इस क्षेत्र की, यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। देखो, मंगल बेहतर है, साहस बहुत भरपूर है आप में, ठीक है। चीज़ों को अगर एक बार सोच ले कि हाँ वो करना है तो फिर आप डरते नहीं हो, डर नाम की चीज़ आप में नहीं है, लेकिन ये सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रही है। आप इन सारी खूबियों का ना बेजा इस्तेमाल कर रहे हो, या ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ इससे कुछ हमें फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस साहस को आप सही रास्ते पे अगर लगाओगे ना तो आपके लिए परिस्थितियां और भी बेहतर होती चली जाएंगी। अब इसे कैसे लगाएं, वो कौन सी चीज़ें हैं और उसकी सही दिशा क्या होगी, ये आप खुद अच्छे से समझ सकते हो जब खुद के अंदर जाओगे, ठीक है। थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ, खुद को जानने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ व्यय कर रही हैं और इसे सही दिशा में हम किस तरफ लगाएंगे तो हमारे लिए हर एक तरीके से फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे दूं कि जब कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाते होगे या कहीं भी जाते होगे तो उस समय ना खुद को संयमित कर लो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ही है और ये चीज़ मुझे ही मिलेगी और इसके लिए एकमात्र एलिजिबल मैं ही हूँ और ये रियलिटी है, ठीक है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट आप कर लोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा जीवन के हर एक क्षेत्रों में। खुद को किसी से कम मत कभी आंको, ठीक है, बिकॉज आप कम किसी से हो ही नहीं। खुद को जानोगे तो आपको पता चलेगा। कस्तूरी मत बनना कभी, जो कि गंध को ढूंढते हुए ज़िंदगी बिता देती है, जो कि उसकी नाभि से आती है, ठीक है। तो ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं, तो उस पर काम करो, अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं, बिकॉज आप अत्यधिक दिमाग से काम लेती हैं और फालतू की चीज़ें आपके दिमाग के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मन में ही पैदा करती हैं आप, और मन में ही उनसे तरह तरीके के सपने देख के आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, और ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। कभी कभी आप में इतने ज़्यादा नकारात्मकता को जन्म देने लगती है, बढ़ा देती है, जो कि आपका जीना मुश्किल कर देती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचे, जीवन में पास्ट में यानी कि अतीत में आपके जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एकमात्र आप ही के साथ हुआ, दुनिया में आप देखने जाओगे तो पता चलेगा आपके पास जितने गम है, जितनी तकलीफें हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे 100 गुना ज़्यादा है, फिर भी वो हंस के जी रहे हैं, ठीक है। तो आपको जीना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी यही है, और इसे जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतने ज़्यादा खूबसूरत आप इसे बना पाएंगे, ठीक है। तो फालतू की सोच से खुद को बड़ी करें और जीवन को सही मायने में समझने की कोशिश करें।
दूसरी बात करेंगे आपके शुक्र की। यहाँ पे वीनस बहुत ही अच्छा है और एक विलासिता वाला जीवन आपको दे रहा है, जिसमें धन की और प्रॉपर्टी की कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। इसका हमेशा आपको इवन कि बाय बर्थ ये चीज़ें आपको प्राप्त हैं, लेकिन इनका लाभ आपको नहीं मिल पाया है। आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें आपको मुसैर होंगी, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की क्या है। बहुत ही उलझन, मानसिक अस्थिरता की स्थिति, ठीक है, निर्जलीकरण की स्थिति आपके स्वास्थ्य से संबंधित, इसके अलावा भ्रम और भटकाव की स्थिति को पैदा करती है। इसके अलावा आपको सावधान रहना है अपने कुछ खास उन लोगों से जो कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा घुले मिले हैं और आपके विरोध में कार्य करते हैं साइलेंटली। उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन्हें खुद से दूर करें। खासकर स्त्री जाति हमेशा आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपके केतु के इस क्षेत्र की। केतु का यह क्षेत्र अच्छा है, शांति की चाह आपको है, लेकिन उसके लिए प्रयास जैसा कुछ भी आप नहीं कर पा रही हैं। जीवन रेखा की बात करेंगे, शुरुआती जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा था। मुश्किल भरा इन द सेंस कि फिनेंशियली नहीं, वो बहुत सारी बाहरी ऐसी चीज़ें थी आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके मन मस्तिष्क पर उसने ऐसा प्रभाव डाला है, ऐसे बिखराव वगैरह जैसी चीज़ों को आपने देखा होगा जो कि आपके लिए दुनिया को देखने का नज़रिया जिसने बदला होगा, ठीक है। काफ़ी एक तरीके से संवेदनशील स्थिति रही होगी वो, ठीक है, सेंसिटिव, जिस समय आपने देखने का तरीका ऐसा बदला कि दुनिया आपके लिए बिल्कुल अजूबी है, बिल्कुल अलग तरीके की है। फिर भी आपने धीरे धीरे खुद को उसके लायक बनाया और चीज़ों के साथ चलने की कोशिश करी, वो अभी तक जारी है और आगे आने वाले समय में आपके लिए बेहतर स्थिति में आपको लेके जाएगी। एक अच्छी खासी उम्र मिली है आपको, 65+ है, काफ़ी बेहतर है। और जो आपकी अभी खास एज है 22, 23 और 24 स्टार्टिंग में ही जॉब के लिए आपके बहुत ही अच्छे यहाँ पे अवसर हैं और सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू जो भी आपके माउंट हैं, लाइंस हैं, सब उससे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके हृदय रेखा पे। हृदय रेखा की कैसी स्थिति है? हृदय रेखा की स्थिति आपके लिए यहाँ पर, एक मिनट, हृदय रेखा की स्थिति आपके लिए यहाँ पर सही है, बेहतर कार्य कर रही है, किसी प्रकार से कोई दोष इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो सत्य और प्रेम की स्थिति आपके लिए हमेशा बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पे वर्ग की स्थिति भी बन रही है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ये आपके लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट जैसे होते हैं ना, सिक्स सेंस वगैरह, वैसी स्थिति आपको पैदा करेगा और कुछ चीज़ों को अग्रजानी की तरह, त्रिकालदर्शी टाइप, आप भी पहले समझ जाया करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से आपके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन उसके मुकाबले के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगी, एक दुर्भाग्य है। मस्तिष्क रेखा की बात करें, मैंने बता दिया कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति कहीं भी मुश्किल होती है, तो यहीं पे आपकी सोच इसी अति को ही दर्शा रही है, जो कि अत्यधिक गलत और खाली दिमाग शैतान का घर इस तरीके की चीज़ों को बढ़ा रही है। तो अपने आप को व्यस्त करें, आपके पास बहुत कुछ करना अभी आपको बाकी है, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके भाग्य रेखा की स्थिति की। भाग्य रेखा देखो, चंद्र के क्षेत्र से छोड़ के चली है ऊपर की तरफ, राहु के इस क्षेत्र में बहुत सारी अस्थायी लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स यहाँ पे सक्रिय हैं, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या है कि जीवन में बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ा है। अब तक हर एक छोटी चीज़ों में आपको परेशानी हो जाती है, एक एक छोटा सा काम करने में जो किसी के लिए 2 मिनट का काम है, आपको करने में 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ चलती रहेंगी, थोड़ा सा बस और समय है, 8 से 9 से 10 11 महीने समझ लो आप, 8 से 11 महीने के बीच में ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इन लाइन्स की जो सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। त्रिशूल की स्थिति आपके विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है, पर्वत क्षेत्रों में ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, बार बार आपको मुश्किल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करती है, तो आप भी उसके लिए कुछ करें, ये आपके लिए बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास चिन्ह मौजूद हैं जो कि आप में आर्थिक प्रगति को दर्शाते हैं, जो कि जब आप जॉब में जाएंगे उसके बाद आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, जब आप खुद के पैसों से अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने की सिचुएशन में आ जाएंगी और आपका निवेश किया हुआ जो भी धन जहाँ भी जाएगा वहाँ से आपको उसमें बरकत की स्थिति आपके लिए बनेगी, ठीक है। जीवन रेखा पर ऐसे वर्ग की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर सिचुएशन को बता रहे हैं, जिससे मैं आपको सबसे सपोर्ट और समर्थन की समर्थन प्राप्त होगा। एक गोल्डन पीरियड आपके लिए लाइफ में आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है।
अब चलिए कुछ और चिन्हों को जानते हैं। आपके दाहिने हाथ में चलते हैं, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले आपका जो गुरु पर्वत का यह क्षेत्र है बहुत ही अच्छा, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी गति से आपके लिए यहाँ पे कार्य कर पा रहे हैं और इनका लाभ आपको अभी प्राप्त होने वाला है, ठीक है। मैरिज की जो आपकी बात है वो 24वें वर्ष और 25वें वर्ष के मध्य में आपके जीवन में आने वाली है, यानी कि 25 साल पूरा होते होते आपकी मैरिज होगी। काफ़ी अच्छी खासी मैरिज होगी, यानी कि जो लड़का होगा काफ़ी बेहतर होगा, अच्छी खासी नौकरी कर रहा होगा और एक अच्छे फैमिली में आपकी होगी। आपका एक सवाल था कि क्या वो मैरिज लव मैरिज हो सकती है या अरेंज होगी। देखो, मैरिज तो जब भी होगी आपकी पसंद की ही होगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है, और उसके लिए मौके भी उसी तरीके की बनते चले जा रहे हैं और शादी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। किस्मत का भरपूर सहयोग यहाँ पर गुरु की तरफ से आपको मिलता दिख रहा है, ठीक है। शनि की बात करेंगे, शनि की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए अभी अच्छी है, काफ़ी बेहतर स्थिति को दर्शा रही है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि चीज़ों को सही गलत समझने में आप गड़बड़ा जाती हैं कि चीज़ें सही रहेंगी या नहीं, गलत रहेंगी या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा समय लें और सारे पहलुओं को देखें और तब किसी नतीजे पर पहुंचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो शनि की एक मुख्य रेखा है काफ़ी प्रबल है, काफ़ी अच्छी है, ये आपके लिए जो धन की योग है उसे बेहतर बना रही है। अभी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में है और आप उसे सही तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हो। सन की बात करेंगे, सन यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी अभी मुश्किल को बढ़ा रहे हैं, यानी कि डेस्टिनी में आपके वो बिल्कुल तैयार हैं, उन्हें पता है हमें क्या करना है, लेकिन आप वर्तमान में कहीं ना कहीं घबराहट की शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं आपका चीज़ों से मोह भंग हो रहा है, कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में आप जिसके लायक हैं उससे कम पर भी मानने को तैयार हैं और ये चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने लक्ष्य से को कभी भी अलग ना करें, कभी भी छोटा ना करें, जो है पूरी मेहनत के साथ आप सिर्फ वही पाने की कोशिश करें, बिकॉज वही आपको मिलेगा। अन्य किसी चीज़ में आप जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ना कोई नट होता है ना, किसी गाड़ी का कोई पार्ट्स है तो उसमें नट होता है, तो क्या है कि किसी और में किसी और पेच को फंसाओगे तो नहीं फंसेगा, जिसका जो नट होता है ना उसी में वो लगेगा। तो आप जिसके लिए हो बस उसी में आप परफेक्ट हो, आप वही कर पाएंगे। दूसरा काम करने जाओगे आप असफल होगे, फिर कहोगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, मैं ये करने जाता हूँ वहाँ भी असफल हो गया, वो करने जाता हूँ वहाँ भी असफल हो गया। भैया तुम सही जगह गए नहीं ना, तुम्हारे लिए वो जगह बनी थी, तुम्हें वहाँ जाना था। तो 2500 जगह जाओगे, 2500 जगह असफलता मिलेगी जब तक सही जगह पे आप नहीं जा रहे हो, सही नेट में जब तक नहीं जा रही है तब तक, ठीक है। तो चलो अब आपके बुध की बात करेंगे। यहाँ बुध की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, काफ़ी अच्छी है। आप ना जैसे कि एक गवर्नमेंट का जो स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन वगैरह होती है, आप SSC वगैरह इस सब की तैयारी आप करो। आई थिंक ऑलरेडी आप वही कर ही रहे हो, बिकॉज आपकी सारी लाइन्स उसे ही दिखा रही है, तो आप वही करो और उसी में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। खासकर ऑफिस जॉब वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, वो निश्चित है आपके लिए। मंगल की स्थिति यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर जगह आप कहीं ना कहीं बेचैनी और एक हड़बड़ाहट के शिकार होते चले जा रहे हो। चीज़ें आपके हाथ से बिल्कुल आखिरी समय में थोड़ी सी गलत दिशा में चलती चली जा रही है। आप खुद को संभाले थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा समय दे खुद को। चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है एज पर डेस्टिनी। बहुत अत्यधिक सोच यहाँ पर भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। राहु का यह क्षेत्र अत्यधिक तनाव की स्थिति आपके लिए पैदा कर रहा है। रातों की नींद उड़ी होगी अभी। मत सोचे, बिल्कुल ना सोचे, ठीक है। धन बहुत ज्यादा, बहुत बेहतर, स्पष्ट तौर पे आपका वीनस बता रहा है इन चीजों को, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति भी आपके यहाँ पर है और वो है धन की, जो कि आपके जीवन रेखा से निकल के और एक वर्ग की स्थिति को बना रही है और ये आपके लिए राजयोग की तरह काम करने वाला है, जिसमें काफ़ी धन संग्रह आप कर पाएंगी।
इसके अलावा आप आने वाले समय में जहाँ भी निवेश करेंगी, खासकर कपड़ों से संबंधित कोई काम अगर हो, लकड़ी से संबंधित कोई काम हो, उस क्षेत्र में आप खुद से निवेश करें, या आने वाले समय में आफ्टर मैरिज अपने पति के द्वारा उन चीज़ों में आप अगर निवेश करवाएं, तो आपको वहाँ से लाभ के योग बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है, फिलहाल तनाव से बचने की भरपूर कोशिश करें, बल्कि ले ही ना, क्योंकि ये तनाव आपको आपकी सफलता से दूर ले जा रहा है और असफलता की तरफ आपको धकेल देगा। ठीक है, परिस्थिति आपके कंट्रोल में है, इसका पूरा लाभ उठाने का आपके पास समय है, इसका लाभ उठा ले। अब लास्ट का जो आपने था कि, और सबसे पहले आपके सवाल में कि करियर के रिगार्डिंग, करियर में आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब की आप करो, आपको वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 24 जब आपकी शुरू होगी, उसके फर्स्ट में ही तक ही फाइनल ये चीज़ें आपके जीवन में आ जानी है। मैरिज के लिए कब तक आपकी योग है? 25, या आपकी मैरिज का 25 to 26 प्लस माइनस 6 मंथ आपकी मैरिज के अच्छे योग हैं। दो संतान के आपके लिए योग है, ससुराल पक्ष से और बाकी जगह से आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। पिता के साथ जो आपके रिलेशन है, उसमें थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें हमेशा उथल पुथल भरी रही है, लेकिन उसकी तरफ से भी आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा पति का सहयोग आपको जीवन में प्राप्त होगा, बच्चे भी आपके आपके कंट्रोल में, यानी कि एक बेहतर आगे की स्थितियों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और जो खास चीज़ें हैं, आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, तो देखो, कभी भी उन चीज़ों को ना सोचो जिन चीज़ों को की अभी ज़रूरत नहीं है, या जिन चीज़ों को सोचने का कोई मतलब नहीं है। फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में 95% भरी हुई है, 5% काम की चीज़ें भरी हुई है, इसे थोड़ा सा पलट दो, चीज़ें सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जो भी है वो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, धन जीवन में काफ़ी है, आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आप खुद ढूंढेगी वो सब कुछ है। विदेश यात्रा के कोई योग फिलहाल नहीं बन रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आफ्टर 45 छोटे से मौके हैं, शायद घूमने वगैरह के लिए आप जाएं। बस इतना ही। अर्ध विष्णु चिन्ह का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, विष्णु तिलक का, तो ये आपके लिए अच्छा है, बिगड़ते बिगड़ते काम को बनाने का काम ये करेगी। जज्बात में ना बहें, कभी कभी ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल को पैदा करती हैं। तो चलिए, यही था आपका विश्लेषण, और ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ और चीज़ों को क्लियर करना हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, उसके थ्रू जान लेंगे। और कुछ और व्यूवर्स जो नए व्यूवर हैं और इन वीडियो को देख रहे हो, तो कृपया वीडियो देखने के तुरंत पश्चात नंबर खोज के सीधे अपने पाम की फोटो ना भेजते, क्योंकि जैसे ही आप जितनी जल्दी आप पाम की पिक्चर भेजेंगे उतनी ही जल्दी हम आपको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए कृपया उसमें और कुछ वहाँ पर लिखा होता है सबको पढ़े, सिर्फ नंबर ना पढ़े। ठीक है, और पहले पूछे प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बताई जाएगी, उसे फॉलो करने की इच्छा हो तो फॉलो करें, अन्यथा बिना कुछ बोले निकल जाए, थैंक यू बोल के निकल जाए, एक्सेट्रा, जो भी आपको मन करे, गाली वगैरह मत देना बस। ठीक है, तो ऐसे करना, सिर्फ पाम मत भेजना डायरेक्ट, नहीं तो बोलो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।